दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म उन्नीस की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जोहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जोहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ-कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता एस जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जोहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी है यह करण जोहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ-कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वही अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत ना पसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म उन्नीस की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वही अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म उन्नीस की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की के जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ-कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जोहर हैं। लेखक करण जौहर हैं। अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जोहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर के निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म उन्नीस की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जोहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी और, और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वही अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में के? और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक निर्देशक हैं निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर है, है अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जोहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान के जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ-कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर के निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जोहर और निर्माता यश जोहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वही अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जोहर और निर्माता यश जोहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी है यह करण जोहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ-कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ-कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वही अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म उन्नीस की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर जौहर और निर्माता हैं लेखक करण जौहर हैं है अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वही अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है यह फिल्म खान की की जिंदगी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म उन्नीस की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान के जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ-कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ-कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़को जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे। इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन कुछ -कुछ हो बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं जोहर हैं। लेखक करण जोहर हैं। अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान के जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म उन्नीस की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान के जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ-कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वही अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म उन्नीस की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जोहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ-कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर लेखक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। इस मूवी को आप शाहरुख में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन कुछ -कुछ हो बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ-कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जोहर और निर्माता यश जोहर हैं लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वही अंजलि को को राहुल राहुल इस तरह से हरकत बेहद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में में ऑक्सफोर्ड पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान के जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ-कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं। अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं जोहर हैं। लेखक करण जोहर हैं। अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वही अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद ना अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साथ ही यह हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ-कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ-कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं जोहर हैं। लेखक करण जोहर हैं। है, अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान के जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म उन्नीस की तो हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी है यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान के जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वही अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म उन्नीस की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं, अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ-कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वही अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में के? और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक निर्देशक हैं निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर है, है अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं। यह करण जोहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान के जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में गे? और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं। लेखक करण जौहर हैं। अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में के? और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ-कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म, में देखी गई है। इस फिल्म के निर्देशक लेखक हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जोहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है फिल्म उन्नीस की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जोहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकत बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन फिल्म कुछ कुछ होता हो के बारे में बताने वाले हैं कुछ कुछ होता है यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इसके फैक्ट के बारे में रिव्यू के बारे में और साथ ही यह फिल्म इसके किरदारों के बारे में बताने वाले हैं कुछ-कुछ होता है फिल्म 1998 की हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी की फिल्म है इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया और लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपनी चौथी फिल्म में एक साथ अभिनय किया रानी मुखर्जी ने सहायक भूमिका निभाई जबकि सलमान खान की एक विस्तारित विशेष उपस्थिति भी इस फिल्म में देखी गई है इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक हैं करण जौहर और निर्माता यश जौहर हैं लेखक करण जौहर हैं अभिनेता शाहरुख खान काजोल सलमान खान और रानी मुखर्जी हैं यह करण जौहर की निर्देशन फिल्म शुरुआत थी फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और साल ही इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई साथ ही यह हम आपके हैं कौन दिलवाले दुनिया ले जाए के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी थी ऐसे में कुछ कुछ होता है को लेकर राहुल यानी कि शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे राहुल एक खुश दिल और मस्त मोला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और पूरे कॉलेज की जान होते हैं जहां राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है वहीं अंजलि को राहुल इस तरह से हरकतें बेहद नापसंद होती है पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली प्रिंसिपल की बेटी टीना यानी कि रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है इस मूवी को आप पूरा देखोगे